प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको दो तीन नियम और बता रहा हूँ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप कंपटीशन में देते हो तो ये आए हुए हैं जितने मैंने रखा। एक तो इट इज टाइम, और इट इज टाइम फॉर यू, इट इज टाइम यू। इसमें आपको ये ध्यान देना है, अगर इट इज टाइम के बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है, सीधा ही सब्जेक्ट आ जाता है, तो हमेशा आपको वर्ब की शेकिंग फॉर्म बनती है। ये तो बैंक में भी आया हुआ है, ध्यान रखना आप। इट इज टाइम के बाद सीधा सब्जेक्ट आता है तो आपको शेकिंग फॉर्म बनती है। अगर इसको घुमा के इट इज टाइम के बाद ही खालिस्तान आ जाता है, या इट इज टाइम फॉर यू, तो ये है ना, डाउट सा कर रहा है, लेकिन ये सीधा नहीं है, यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हुआ है। तो आपको इसमें आप हमेशा आपको इन्फिनिटिव वर्ब बनना है। इन्फिनिटिव का मतलब है तो लगाकर वर्ब की फर्स्ट।